लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर बढ़े हैं, कितने इनकाउंटर हुए यहाँ पे यूपी में? नहीं, मैंने आपको बताया कि पुलिस कार्रवाई के दौरान हमारे 15 जवान शहीद हुए हैं, हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। इस दौरान 178 बदमाश भी मारे गए हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसकी प्रक्रिया होती है कि जांचें होती हैं, NHRC का इन्वॉल्वमेंट है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ गाइडलाइंस हैं उसके तहत पुलिस कार्य करती है, वो भी फेज्ड मैनर में इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ती है, तो हम लोगों ने किया है और अभी तक कोई एडवर्स चीज़ किसी भी संस्था ने ऐसी नहीं पाई है। जैसे अतीक अहमद का तो इतना लंबा चौड़ा क्रिमिनल हिस्ट्री है, अतीक का भाई भी राजूपाल हत्या का मेन एक्यूज रहा है, जेल में बंद है, अतीक के दो लड़के जेल में हैं, लेकिन ये जो असद है इसका कोई आपराधिक इतिहास और आप लोग को पता चला कि पहले भी कोई किसी तरह के अपराध में शामिल हुआ था? अभी हम लोग इसको इसका परीक्षण हो रहा है। और फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अब लंबा इतिहास हो तो ही क्राइम करता है, ऐसे लोग पहली बार भी वो जघन्य हत्याकांड करते हैं, जघन्य अपराध करते हैं, तो आपराधिक इतिहास होना न होने का कोई वैसे इम्पोर्टेंस ऐसा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये नेम्ड एक्यूज्ड है और हम लोग सभी बारीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक एक करके हम देख रहे हैं कि प्रयागराज में बुलडोजर भी चल रहा है, 3 जगह चल चुका है, और ये कहा जा रहा था कि गुड्डू मुस्लिम जो आरोपी है इस हत्याकांड में उसके घर भी बुलडोजर जल्दी चलेगा, तो बाकी जो आरोपी हैं वो क्योंकि पकड़ में नहीं आ रहे हैं तो जो उनकी प्रॉपर्टी है वो पुलिस सीज कराने के लिए प्राधिकरण से कहेगी जिससे दबाव बने उन अपराधियों? नहीं, जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तो प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है, क्रिमिनल केस में पुलिस की कार्रवाई कुर्की तक सीमित होती है, तो अगर ये नहीं मिलते हैं तो इनके घर की हम कुर्की करेंगे और कुर्की के दौरान जो लीगल प्रक्रिया होती है उसको पालन करेंगे। ये जरूर था कि जो ध्वस्तीकरण वगैरह की कार्रवाई में वायलेंस होता है या जो लोग ड्यूटी पर जाते हैं उसके साथ लोग मारपीट करते हैं तो वो मारपीट ना हो इसके लिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। पर्याप्त सुरक्षा बल प्रदान किया जाता है। तो पूरा जो उमेश पाल हत्याकांड है करीब कितने लोगों पर पुलिस की नजर है, कितने लोगों की तलाश कर रही है पुलिस? नहीं, अभी तो जो लोग नामजद हैं और जो धीरे धीरे प्रकाश में आ रहे हैं और साजिशकर्ताओं के नाम जैसे जैसे आएंगे तो नंबर बताना अभी संभव नहीं है और उचित भी नहीं है, और ये संख्या बढ़ भी सकती है जिस तरह से लोग संरक्षण दे रहे हैं, बाद में चीज़ें पता चलेंगी कि किसने संरक्षण दिया, कितने दिन तक दिया, तो उस आधार पर संख्या बढ़ सकती है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो इस तरह से यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि जितने आरोपी हैं उमेश पाल हत्याकांड में उन सब की तलाश बहुत तेजी से की जा रही है और उन सबको पुलिस सजा दिलाएगी। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, India TV लखनऊ। India TV हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें India TV News Google Play Store या App Store पर।